सीरियस बातें हैं, तो भाई प्लीज बेफालतू तो अभी एलबी साधो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मनीषा रानी को पोक कर दिए हैं। यस, आपको बता दें कि मनीषा रानी का जैसे ही अनफॉलो वाले मैटर पे एक वीडियो आउट हुआ है, उसके बाद देखा गया कि एलबी साधो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ये पोस्ट किए। हाँ भाई, अपनी ना एक वीडियो आने वाली है अभी, उसमें ना फेस वॉश का ब्रांड चाहिए, उस पर क्लिक्स ज्यादा आएंगे, ठीक है, एक स्पॉन्सर का जुगाड़ करना। मीन्स कि यहाँ पे देखा जाए तो मनीषा रानी का नाम तो नहीं लिए हैं, बट एक चीज है कि वो शायद ये चीज बोल के मनीषा रानी को ही ट्रोल कर रहे हैं कि उनको स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिलता है ऐसे करके। बाकी इस स्टोरी के बाद एलवी साधो एक बहुत ही सीरियस स्टोरी पोस्ट किया है। हाय गाइस, कैसे हो सारे? तो जो भी मेरा भाई दिल्ली से देख रहा है महिंद्रा पार्क रानी बाग के पास में, तो भाई छोटी सी ट्रेजेडी होगी, छोटी तो नहीं काफी बड़ी। जो मेरे जिया जी हैं उनका बैग चोरी हो गया और उसके अंदर काफी मेन चीजें थी, पैसे साइड करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट है उसके अंदर, एक कोमल यादव, एक प्रशांत यादव, एक वारण्या यादव। तो भाई जिस भाई को मिलते हो, पड़े हुए कहीं मिल गए या फिर जिसने भी चुराया हो, फेंक गया हो कहीं पे, सो प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट करें, नंबर आ रहा होगा। तो सीरियस बातें हैं, तो भाई प्लीज़ बेफालतू में कॉल मत करना, मेरा नंबर नहीं है, किसी कंसर्न व्यक्ति का है, तो परेशान मत करना। और जिसको भी बैग मिले, पासपोर्ट मिले, प्लीज़ दे देना। अमेरिकन टूरिस्टर है, ब्लू कलर का बैग। जैसा कि एलबी साधो लास्ट में बोले हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, मीन्स कि सच में उनका सामान गुम हुआ है और किसी को अगर मिला है भाई लौटा देना, क्योंकि आपको भी पता होगा कि ये सभी चीजें कितनी ज्यादा जरूरी होती है। बाकी मनीषा रानी वाले कंट्रोवर्सी पे आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।